नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को अग्नि 6 मिसाइल के बारे में मैं कुछ ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जिससे बिल्कुल आपको ये पता लग जाएगा कि भारतीय सेना के पास अग्नि 6 मिसाइल मौजूद है। यहां तक कि दोस्तों, अमेरिका ने बिल्कुल ये दावा कर दिया है कि भारत के पास आज के समय में अग्नि 6 मिसाइल मौजूद है। देखिए दोस्तों, ये वही मिसाइल है जिसके नाम से चीन पाकिस्तान बल्कि यूरोप और अमेरिका के देशों की भी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ये जानते हैं कि अगर भारत ने अग्नि 6 मिसाइल बना लिया तो यकीनन ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल होगी। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, आज मैं आप लोगों को अग्नि 6 मिसाइल के बारे में कुछ नई जानकारियां देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा आज के लगभग 2 साल पहले जब भारत ने अपनी अग्नि 5 MIRV मिसाइल का परीक्षण किया था, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी चाइना को। जबकि चाइना के पास जो कि DF-41 मिसाइल है, उस मिसाइल की रेंज ही 12,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अग्नि 5 मिसाइल जो कि MIRV वर्जन था भारत का, उस मिसाइल की रेंज भारत 5,000 किलोमीटर बताता था। अब ऐसे में दोस्तों, चाइना को इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी कि भारत की वो मिसाइल 5,000 किलोमीटर की नहीं बल्कि 8,000 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि दोस्तों, चाइना का समर्थन अमेरिका ने भी किया था, जिसकी वजह से भारत को वो परीक्षण पोस्टपोन करना पड़ा था। अमेरिका को ये डर था कि अगर अग्नि 5 मिसाइल 8,000 किलोमीटर की है तो सोचिए अग्नि 6 मिसाइल कितने हजार किलोमीटर की होगी। लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद भारत ने उस मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। उस परीक्षण के बाद कुछ बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल की सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। पहली बात तो आप लोगों को मैं बता दूं, MIRV टेक्नोलॉजी, यानी कि एक साथ कई सारे शहरों को तबाह करने वाली टेक्नोलॉजी भी आप इसे कह सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी पर भारतीय साइंटिस्टों ने महारत हासिल कर ली। और ये टेक्नोलॉजी वास्तव में अग्नि 6 मिसाइल में थी, लेकिन भारत ने अग्नि 5 मिसाइल में क्यों लगाई? दूसरा, चाइना ने यह दावा क्यों कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है उसको 5,000 से 8,000 किलोमीटर कर दिया है। यानी कि दोस्तों, इन दोनों बातों को अगर देखा जाएगा तो भारत के पास जो अग्नि 5 MIRV मिसाइल बनी थी वो एक्चुअल में अग्नि 5 MIRV मिसाइल नहीं बल्कि अग्नि 6 मिसाइल थी। और वैसे भी दोस्तों, अमेरिका ने ये दावा कर दिया है कि आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए, बड़ी बड़ी सैटेलाइटों को हायर जोन में भेजने वाला इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं बना सकता है, क्योंकि भारत के पास आज मौजूदा समय में वो टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि भारत बहुत ही आसानी से 15,000 से 18,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी बना सकता है। हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन के एक जो परीक्षण को अंजाम दिया था, उसके बाद से तो अमेरिका बिल्कुल ये दावा ही करने लगा है कि भारत के पास मौजूदा समय में वो टेक्नोलॉजी हो चुकी है जिसकी वजह से भारत 18,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी बना सकता है। और वैसे भी दोस्तों, समय समय पर अमेरिका ये दावा करता रहता है कि भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल बन चुकी है जिस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब देखिए दोस्तों, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन भारत अपनी इस मिसाइल को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता है, क्योंकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ये यूरोपियन देश और अमेरिका चाइना मिलकर बिल्कुल तबाह कर सकते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत अपनी अग्नि 6 मिसाइल को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर देगा। हाल ही में एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें अग्नि 5 के बाद एक नया मॉडल दिखाया जा रहा था, तो कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वो जो मिसाइल थी वो अग्नि 6 ही मिसाइल थी, जिस पर भारत बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है अग्नि 6 मिसाइल को लेकर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।